झारखंड के धनबाद में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ में BCCL की बंद माइंस में अवैध खनन के कारण खदान धंस गई। इसके ऊपर की लगभग 60 फीट कच्ची सड़क भी धंस गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 50 से ज्यादा लोग अंदर दब गए हैं, लेकिन देर शाम तक जो रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन किया उसके बाद रेस्क्यू टीम ने ये बताया कि अभी तक किसी के फंसने की आशंका नहीं है। लेकिन रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट RL मुखोपाध्याय ने बताया कि 6 लोगों की टीम ने लगभग 45 मिनट तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिस इलाके में लोगों के फंसे होने की आशंका थी, वहां के आसपास के इलाके को टीम ने पूरी तरह से सर्च कर लिया है, कहीं कोई नहीं मिला। तो अब जो इलाका बचा है उसमें सिर्फ पानी है। ऐसे में संभावना है कि खदान के अंदर कोई भी नहीं फंसा हो, लेकिन ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं लोग गहरी खाई में पानी में नहीं चले गए हों। तो अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो अंधेरा हो जाने के कारण उसको रोकना पड़ा है और आगे रेस्क्यू ऑपरेशन कल चलेगा। बता दें, दोपहर में हादसे के बाद खबर आई कि खदान में 50 से ज़्यादा लोग फंस गए हैं और सभी लोग पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके करीब 10 घंटे बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे अचानक 60 फीट जमीन धंस गई। लोगों का कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, माइंस में करीब 125 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इसमें से कई लोगों के भागकर अपनी जान बचाने की खबर है। लोगों के मुताबिक एक दिन में करीब 2 ट्रक अवैध कोयले का खनन यहाँ से किया जाता है। यह माइंस पिछले 6 साल से बंद है। उधर धनबाद के डिप्टी कमिश्नर संदीप सिंह ने बताया है कि अब तक किसी तरह के जान माल की क्षति की सूचना नहीं है। खदानों की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क धंसी है। प्रशासन और BCCL की टीम मौके पर पहुंच गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। लोकल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विमर्श न्यूज़, धनबाद।